यहाँ पर इस गांव के ग्राम प्रतिनिधि रिंकू यादव जी, उनसे बात मैं करता हूँ। रिंकू यादव जी, ज़रा बताइए आप कि ये शहीद स्मारक में ताला जड़ा हुआ है जी, ठीक है, ये ताला क्यों जड़ा हुआ है? उनके परिवार के लोग ताला लगा, उनके परिवार के लोग ताला जड़े हुए हैं। इसमें आपने कुछ पहल किया है? बहुत अधिकारियों से पहल किया, ग्राम पंचायत आए, उनसे स्वयं मैं पूछा जी, तो बोले मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसकी जो इच्छा करूँ वो करते हैं, मतलब ये खोलते हैं जिससे गांव को परेशानी है जी। ठीक है, इसमें जो जल निगम मशीन है जी, मैं जब से प्रधान हुआ हूँ इसको परमानेंट सही करा के रखता हूँ, इस पार्क पे ध्यान देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं वो। और आप बताइए, आप अपना नाम परिचय दीजिए। मैं शहीद राम उग्र पांडे जी के बड़े भाई राम शरण पांडे जी के पौत्र हूँ जी, जो कि हमारे शहीद राम उग्र पांडे बाबा जी थे, उनके साले के दामाद हैं राम प्रलट दुबे, वही इसमें ताला वगैरह बंद करते हैं, अपने मनमानी हिसाब किताब रखते हैं, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है, न बोलता है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बातों पे तुरंत पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। इसी के डर के वजह से गांव वाले उनसे बात, तो गांव वाले इसमें अब इसका रखरखाव, ताला बंद करने से रखरखाव में भी दिक्कत है। अरे सर, समरसेबुल भी खराब हो सकता है जी। इधर आइए बच्चों, जरा बताइए, आप आइए सामने आइए, बताओ यार। पहले पार्क में आप लोग खेलते थे, क्या नाम आपका है? चेतन विश्वकर्मा नाम है। हाँ, ये जो पार्क दिखाई दे रहा है सामने, बंद है ताला ना इसमें? हाँ बंद है, ताला बंद है ये। तो चेतन विश्वकर्मा जी, ये बताइए कि आपको ताला बंद है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि हम लोग सुबह शाम इसमें, मतलब एक तरफ से इसमें आते जाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन तब से ताला बंद है, हम लोग को बहुत परेशानी, मुझे क्या पूरे ग्रामवासियों को परेशानी है, तब से ताला बंद है इसमें। ठीक,